हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश साहनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रायोगिक ज्ञान में। तो दोस्तों, हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं कंप्लीट जावास्क्रिप्ट। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा नंबर्स एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे से रिलेटेड कुछ बिल्ट इन फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50। इस तरह से कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम एक प्रॉपर्टी तो देख ही चुके हैं, लेंथ। एरे डॉट लेंथ आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से और भी कुछ इसके फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें आपने लिखा एरे डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, आपके एरे को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में बाय कॉमा सेपरेटेड। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपको दिखेगा आपका जो एरे था वो स्ट्रिंग बन चुका है विथ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ओके। तो अगर आपको कहीं ज़रूरत है आपके एरे को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक और फंक्शन होता है सिमिलर टू दिस, उसको हम कहते हैं ज्वाइन, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, बट आप बता सकते हो कि किस, जैसे पिछले फंक्शन में ये कॉमा से ही करता है कॉनकेट जो भी आपका एरे में एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे आप बता सकते हो किस पॉइंट को लेके वो करना चाहिए, उसने ज्वाइन करना चाहिए एक्चुअली। तो आप स्टार बताओगे तो ये स्टार से कॉनकेट करेगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसके बीच में स्टार आ गया एट द प्लेस ऑफ कॉमा। तो इस तरह से आप ज्वाइन फंक्शन यूज़ करके एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे एरे एक फंक्शन होता है पॉप, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा स्टैक का सुना होगा तो स्टैक में क्या होता है, पुश एंड पॉप होता है। तो सेम पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 50 है, ठीक है। तो आपने एरे पॉप किया, यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 50 आपका रिमूव हो गया है। तो ये जो पॉप करता है वो रिटर्न भी करता है, ठीक है। इसके बाद अगर इस एरे को आप प्रिंट करोगे तो इसमें सिर्फ आपको 40 तक ही वैल्यूज़ दिखेंगी। सेम इसी तरह से एक फंक्शन होता है पुश। तो पुश में क्या होता है, ये एक एलिमेंट ऐड करता है लास्ट पोजिशन पर। तो अगेन आपने 50 को ऐड कर दिया, तो अभी आपके एरे में वो वैल्यू ऐड हो चुकी है। और जब ये ऐड करता है तो उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है कि इसने किस लोकेशन पे उसने उस वैल्यू को ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है, अभी ये हो गया लास्ट प्लेस पे इंसर्ट करना या फिर रिमूव करना। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट या रिमूव करना है तो उसके लिए भी फंक्शंस हैं सिमिलर टू दिस। एक फंक्शन होता है शिफ्ट। तो शिफ्ट फंक्शन क्या करता है, पहले इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करता है। तो अगर मैं आपको वो वैल्यू भी प्रिंट करके, एरे भी प्रिंट करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि शिफ्ट क्या करता है। तो यहाँ पे हमारी पहली इंडेक्स वैल्यू है 10, वो रिमूव हो जाएगी और आपको एरे प्रिंट होके दिखेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट जो था 10 वो रिमूव हो गया, और अब यहाँ पे हमारे एरे में वैल्यू जो बची है वो है 20, 30 एंड 40, 50, ठीक है। तो 10 निकल गया हमारा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि शिफ्ट फंक्शन से आप फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। और ऐसे ही एक और फंक्शन होता है अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट की मदद से आप पहले एलिमेंट, पहले पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो अब आपका वैल्यू हो चुका है 10, 20, और यहाँ पे इसने जो रिटर्न किया वो 5, मतलब आपका जो टोटल एलिमेंट्स जितने हो गए वो रिटर्न कर रहा है। और आई गेस पुश के बाद भी इसने जो रिटर्न किया था वो 5, यानी कि उसका इंडेक्स वैल्यू नहीं, उसका जो टोटल एलिमेंट है वो रिटर्न किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिंग एलिमेंट्स और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट पोजिशन। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और फंक्शंस, जैसे कि एक फंक्शन होता है स्लाइस। स्लाइस फंक्शन क्या करता है, आपके जो भी आपका एरे है उसमें से अगर कोई एलिमेंट निकालना है तो उस केस में हम स्लाइस फंक्शन यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे डॉट स्लाइस लिखा और हमने बताया यहाँ पे 1,
ठीक है। अभी जो आप इस पेज को रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 20। ओके, तो पहला पोजीशन, पहला एलिमेंट आपका यहाँ से रिमूव हो गया है, और वही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होनी चाहिए थी, राइट। तो ये क्या कर रहा है, स्लाइस फंक्शन क्या करता है, एक एलिमेंट आपका एरे में से निकालता है और वो रिटर्न करता है। अगर आपको इसको अभी प्रिंट करेंगे हम, अगर कंसोल डॉट लॉग एरे, ठीक है, रिफ्रेश, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ओरिजिनल जो एलिमेंट है उसमें से ये वैल्यू रिमूव नहीं होती है। इसने क्या किया, पहला एलिमेंट निकाल के वो एरे रिटर्न किया, ठीक है। तो अगर आपकी कहीं ऐसी नीड है तो आप कर सकते हो। इसका सेकंड पैरामीटर्स भी होता है, अगर आपने यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे 3 लिखा तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश किया आपने और यहाँ पे आपको क्या मिला, थर्ड एलिमेंट क्या है आपका यहाँ पे 0 1 2 3। तो इसने बोला कि यहाँ तक, बट इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, यहाँ तक काउंट करो, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके बीच की जो भी वैल्यू है उसमें वो वैल्यू रिटर्न करो। तो इसने क्या रिटर्न किया आपका 20 एंड 30। 20 एंड 30 क्यों रिटर्न किया, जो पहला आपने बताया था ये इंडेक्स वैल्यू है फर्स्ट, तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है इसमें 20, ठीक है। तो 20 से लेके 40 के बीच की वैल्यू, बट 40 को कंसिडर नहीं करना है, ये होता है स्लाइस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन होता है स्लाइस के जैसा, जिसे हम कहते हैं SPLICE, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, SPLICE। इसको आप रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला 1 और यहाँ पे आपने अगर 0 दिया या फिर 1 देते हैं, चलिए तो आपको समझ में आएगा, एक वैल्यू इसमें से निकलेगी। ये हमने रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पे इसने रिटर्न किया 20, क्योंकि हमने बोला था 20। तो इसने SPLICE फंक्शन क्या करता है, उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ओरिजिनल आपका जो एरे है उसमें से भी। तो आप देख सकते हो यहाँ से 20 रिमूव हो चुका है और वो 20 यहाँ पे इसने रिटर्न किया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 0 लिखा और कॉमा दिया और यहाँ पे आपने 60 ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे अगर जो भी आपने इंडेक्स बताया है उस इंडेक्स पे ये वैल्यू को ऐड कर देगा, तो जहाँ पे 20 था वहाँ पे अभी 60 हो जाएगा। तो आप जैसे रिफ़्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 60 ऐड हो गया, बट इसने कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया, क्योंकि आपने यहाँ पे बोला है 0। अगर आप यहाँ पे 1 करते हो तो ये एक एलिमेंट को डिलीट भी करेगा और एक एलिमेंट को ऐड भी करेगा। तो आप देख सकते हो 20 रिमूव हो गया और 60 उसके प्लेस पे ऐड हो गया। तो SPSlice फंक्शन क्या करता है, ये रिमूव करने का भी काम करता है और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड करने का भी काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप SPSlice फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी है, जैसे कि 60, 70, इस तरह से आप जब रिफ़्रेश करोगे इस वेब पेज को तो आपको दिखेगा 60 एंड 70 ऐड हो गए और 20 रिमूव हो गया, ठीक है। 20 को अगर आपको रिमूव नहीं करना है तो आप इसको 0 कर दीजिए, तो आपका ये 20 भी यहाँ पे रहेगा, 60, 70 आ गया एंड 20 भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसने कुछ भी रिमूव नहीं किया, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिलीटेड में कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया SPLICE फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन है कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन, जैसा हमने स्ट्रिंग में देखा था कि कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, उसी तरह से यहाँ पे कॉनकैट एरे में जो है वो दो एरे को ज्वाइन करता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये एक एरे है और एक दूसरा एरे है, एरे 1, और इसमें हम हमारे पास कुछ वैल्यू हैं 100, 200, 300, लाइक दिस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरे डॉट कॉनकैट और यहाँ पे आप पास कर दोगे आपका न्यू एरे, ठीक है। अब जब आप इसको सेव रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें 100, 200 एंड 300 ऐड हो चुका है। अगर आपको और भी एरे ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप कॉमा दे के इस तरह से 400, 500 इस तरह से आप करोगे तो इसके अंदर 400 एंड 500 भी ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एरे से रिलेटेड, आप देख सकते हो और अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं डेट एंड मैथ फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट लेके। तो
तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।